Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तेईस जुलाई 2024 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने देश की मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए कुछ बड़े ऐलान किए। इनकम टैक्स लाभ में बदलाव करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी दिया। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। वहीं लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एसेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बदलकर 12.5% कर दिया गया। इसके अलावा रेंट से होने वाली कमाई को लेकर भी आम बजट में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। बजट में कहा गया है कि अगर रेंट से कमाई होती है तो उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम के तौर पर घोषित करना होगा। पहले इसे बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के तौर पर दिखाया जा सकता था, लेकिन 23 जुलाई को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को होने वाली रेंटल इनकम अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत आएगी। इसका मतलब है कि रेंटल इनकम अब बिजनेस और प्रोफेशन से हुई इनकम नहीं मानी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। अभी टैक्सपेयर्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन के तहत बिजनेस से जुड़ी कई खर्चों के लिए कटौती क्लेम कर सकते थे, इससे उनकी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाती थी। नए प्रावधान के तहत रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा, जिस कारण मकान मालिक मेंटेनेंस कॉस्ट, मरम्मत और यहां तक कि डिप्रिसिएशन पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे या फिर कम कर पाएंगे। इससे इनका टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, जिससे कम करने के लिए इन्हें कोई और विकल्प तलाश करना होगा। नए नियम के मुताबिक अगर घर से हुई इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाया जाता है तो डिडक्शन लिमिटेड हो जाएगा। सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट और मरम्मत के तहत ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तक दिखा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाने वाला नया नियम 1 अप्रैल 2025 यानी अगले साल से लागू हो जाएगा। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 में संशोधन करेगी और इस संशोधन के बाद अगर किसी मकान मालिक की किराए से ज्यादा कमाई होती है तो वो टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश कर सकता है। तो निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के बाद अब मकान मालिकों के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन से हुई इनकम नहीं काउंट की जाएगी और इससे उनका डिडक्शन भी लिमिटेड हो जाएगा। इसको भी आम आदमी के जेब पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके इस रिपोर्ट पर जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।